जेजेपी ने चुनाव के बीच चली शतरंज की चाल। रनिया में रणजीत चौटाला को दिया समर्थन। दिग्विजय को डबवाली में मिला दादा रणजीत का आशीर्वाद। डबवाली सीट पर इनेलो प्रत्याशी आदित्य देवीलाल ने भी किया है नामांकन। एक ही सीट पर एक ही परिवार के दो उम्मीदवार आने से मुकाबला हुआ दिलचस्प। हरियाणा की सियासत में जेजेपी ने शतरंज की चाल चल दी है। दरअसल भाजपा से टिकट कटने के बाद रणजीत चौटाला ने रानिया विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं रणजीत चौटाला ने डबवाली में पौत्र दिग्विजय चौटाला को अपना समर्थन दिया है। रणजीत चौटाला को रनिया में समर्थन देने के बाद जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला के मुताबिक रणजीत सिंह के समर्थन से दिग्विजय मजबूत हो गए हैं। इसके साथ ही चौटाला ने कहा कि डबवाली में पोता और रानिया में दादा की जीत होगी। दिग्विजय चौटाला ने जेजेपी और एएसपी गठबंधन के साझा उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया है। वहीं इसी सीट पर इनेलो प्रत्याशी आदित्य देवीलाल ने भी नामांकन किया है। आदित्य देवीलाल और दिग्विजय चौटाला दोनों रिश्ते में भाई हैं। हालांकि लड़ाई अब डबवाली सीट पर दिलचस्प हो गई है, क्योंकि सिरसा कभी पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल चौटाला का गढ़ हुआ करता था। हालांकि अब भी कुछ जगहों पर देवीलाल परिवार का सियासी वर्चस्व है, उनमें से डबवाली भी है, जिससे अब ये चुनावी जंग पारिवारिक जंग के साथ साथ विरासत की भी लड़ाई हो गई है। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।